हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो आज मैं लेके आया हूं फ्रेंड्स आपके लिए करंट जीके से संबंधित या करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो आज अपन चर्चा करते हैं कि वर्तमान में राजस्थान में कौन व्यक्ति कौन से पद पर स्थित है, उनके बारे में पूछते हैं, जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है। आगामी जो एग्ज़ाम जितनी भी है कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वह रेलवे एग्ज़ाम हो चाहे टीचर्स एग्ज़ाम हो, सब में ये इम्पोर्टेंट माने जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों पर चर्चा करने से पहले कहूँगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें दे रखा है राजस्थान सरकार का जो मंत्रिपरिषद है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात करते हैं, अशोक गहलोत है, अपन मानते हैं कि इस समय कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो उस अशोक गहलोत के पास में कौन कौन से मुख्य डिपार्टमेंट हैं उनके बारे में अपने को पता होना आवश्यक है। तो देखिए अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग, आबकारी विभाग, आयोजना विभाग, नीति आयोजना विभाग, कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, गृह मामला और न्याय विभाग। तो ये सारे विभाग अशोक गहलोत के पास से स्थित है, यह अशोक गहलोत इन विभाग के अध्यक्ष माने गए हैं। तो कंपटीशन एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा विभाग अशोक गहलोत के पास है या नहीं है, तो इन विभागों की चर्चा होना अपने को आवश्यक है। इसके पश्चात जो दूसरे सचिन पायलट है जिन्हें उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया है, उनके पास कौन से विभाग है? तो देखिए सचिन पायलट के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और सांख्यिकी विभाग, ये विभाग सचिन पायलट के पास है। इसके पश्चात आगे चर्चा करते हैं फ्रेंड्स कि जो कैबिनेट मंत्री है वह कौन कौन है और उनके पास कौन से विभाग है। तो देखिए कैबिनेट मंत्री बुलाकी दास कल्ला, तो कैबिनेट मंत्रियों में सबसे पहले बुलाकी दास कल्ला, इनके पास विभाग देखिए फ्रेंड्स, ऊर्जा विभाग इनको दिया है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भूजल विभाग, कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग, ये सारे विभाग बुलाकी दास कल्ला जी के पास में है। अगले की बात करते हैं तो शांति कुमार धारीवाल कैबिनेट मंत्री, इन्हें स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, विधि एवं विधिक कार्य विभाग और विधि परामर्शी कार्यालय और संसदीय मामलात विभाग इनके पास रखा गया है। नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री है प्रसादी लाल, इन्हें उद्योग विभाग और राजकीय उपक्रम विभाग सौंपा गया है। फिर भंवरलाल मेघवाल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग भंवरलाल जी मेघवाल के पास है। फिर लालचंद जी कटारिया कृषि विभाग, पशुपालन विभाग और मत्स्य विभाग इनके पास रखा गया है। रघु शर्मा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी इनके पास में है। अगले कैबिनेट मंत्री प्रमोद भाया, इन्हें खान विभाग और गोपालन विभाग नियुक्त किया गया है। अगले विश्वेंद्र सिंह पर्यटन विभाग और देवस्थान विभाग इनको दिया गया है। हरीश चौधरी जी, इन्हें राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग, कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता विभाग इनके पास सुरक्षित है। अगला है रमेश चंद्र जी मीणा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इनको दिया गया है। इसके साथ उपभोक्ता मामले के विभाग भी इन्हीं के पास में है। उदयलाल जी अंजना सहकारिता विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग भी इनके पास में ही है। प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन विभाग और सैनिक कल्याण विभाग इनके पास में है। फिर साले मोहम्मद अल्पसंख्यक मामलात विभाग, वक्फ विभाग, जन अभियोग निराकरण विभाग, ये साले मोहम्मद के पास में है। फिर जो राज्य के राज्य मंत्री हैं उनके विभागों की बात करते हैं तो सबसे पहले गोविंद सिंह डोटासरा, इनके पास शिक्षा विभाग दिया गया है। तो शिक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
पर्यटन विभाग और देवस्थान विभाग इनके पास में रखा गया है। इसके बाद में श्रीमती ममता भूपेश, महिला एवं बाल विकास विभाग रखा गया है, और जन अभियोग, निराकरण विभाग और अल्पसंख्यक मामलात वफक भी के पास में है। अर्जुन सिंह बामनिया, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और उद्योग विभाग, राजकीय उपक्रम विभाग। भंवर सिंह भाटी, उच्च शिक्षा, राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग, कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता विभाग। सुखराम विश्नोई, इनके पास में वन विभाग, पर्यावरण विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग रखे गए हैं। अशोक चांदना, युवा मामले, खेल, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता, परिवहन, सैनिक कल्याण विभाग इनको दिया गया है। इसके अलावा टीकाराम जूली, श्रम विभाग, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण, सहकारिता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग भी इनको दिया गया है। भजन लाल जाटव, गृह विभाग, रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, मुद्रण लेखन सामग्री विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन मत्स्य पालन विभाग इनके पास में है। राजेंद्र यादव जो है उनके पास आयोजना जनशक्ति, स्टेट मोटर गैराज विभाग, भाषा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग इनके पास में है। डॉक्टर सुभाष गर्ग, तकनीकी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा, चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग डॉक्टर सुभाष गर्ग के पास में है। इनके बाद में फ्रेंड्स अपन बात करते हैं कि राजस्थान में जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वह कौन कौन है और कौन से पद पर स्थित है। राज्यपाल की बात करें तो श्री कल्याण सिंह, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट, मुख्य सचिव राजस्थान के डीबी गुप्ता, महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी, सलाहकार मुख्यमंत्री डॉक्टर गोविंद शर्मा को रखा गया है, आर्थिक सलाहकार मुख्यमंत्री अरविंद मायाराम, पुलिस महानिदेशक विजू जॉर्ज जोसफ, पुलिस कमिश्नर जयपुर आनंद श्रीवास्तव, पुलिस कमिश्नर जोधपुर अशोक कुमार राठौड़। अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष दीपक उप्रेती, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बाबूलाल जाटावत, राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा, मुख्य चुनाव अधिकारी आनंद कुमार, मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान राज्य सूचना आयोग सुरेश चौधरी, सूचना आयुक्त राजस्थान राज्य सूचना आयोग चंद्रमोहन मीणा, आशुतोष शर्मा, राजेंद्र प्रसाद बरवर और लक्ष्मण सिंह। अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर नतमल डिडेल, अध्यक्ष राजस्व बोर्ड अजमेर मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान सिविल सर्विल अपीली अधिकरण जयपुर गिरिराज सिंह, और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष रिको, प्रबंधन निदेशक रिको जयपुर कुलदीप राका। कुलदीप राका को प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष रिको है, और प्रबंधन निदेशक रिको जयपुर गौरव गोयल। फिर देखते हैं अपन विभिन्न खेल संगठनों के जो अध्यक्ष बनाए गए उनकी बात करते हैं। तो राजस्थान बास्केटबॉल जो संघ है इसे RBA के नाम से जानते हैं, इसका अध्यक्ष अजीत सिंह राठौड़ है। राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत, राजस्थान हॉकी संघ का अध्यक्ष अरुण सारस्वत, राजस्थान शूटिंग बॉल संघ का अध्यक्ष अशोक परनामी, और राजस्थान बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष बनाया गया है महेश इनानी। तो ये थे फ्रेंड्स अपने राजस्थान में कौन व्यक्ति कौन से पद पर स्थित है उनके बारे में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आपको जरूर से याद करना है फ्रेंड्स, क्योंकि इनमें से एक या दो क्वेश्चन करंट GK के आधार पर जरूर पूछने की संभावना रहती है। क्वेश्चन आपको कैसे लगे फ्रेंड्स कमेंट्स में जरूर बताइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिशें कीजिए। थैंक्स।